अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाइसिस वीकली हॉरोस्कोप 13-19 मार्च, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? पाइसिस, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे तालाब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपका मेरा तारुफ, एक एस्ट्रोलॉजर का, एक जेम थेरापिस्ट, एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट का, सो हर एंगल से कोशिश करता हूँ कि आपको जहां पर गाइड किया जाए, वहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका आपको सोल्यूशन भी बताया जाए। आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह ऐसी ही कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड किया जाए। सो वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, इस पर बात करेंगे। सन फर्स्ट हाउस में मौजूद है, जुपिटर के साथ आपके लिए बड़ी अच्छी जो खबरें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मार्स आया है 12वें घर में, ये आपके लिए कुछ मिला जुला फायदा भी और नुकसान भी दोनों चीजें होंगी। दोनों चीजों को हाईलाइट करूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। सन जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आपकी इज्जत वकार में इजाफा करेंगे। सन चुके आपके जायचे के 6ठे घर का हक में, सो आपको आपके मुखालफीन के से भी जो है वो कन्वर्सेशन का मौका मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन भी होगी और मामला बेहतर भी होंगे। सेहत में बेहतरी आएगी, आप अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर जो है वो काम करते नजर आते हैं। घर के लिए कुछ बेहतर मुलाजिम जो है वो आपको मिल सकेंगे। आप खुद जो है वो मुलाजमत ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सन चूंकि जुपिटर के साथ है, सो आपको एक किरदार साजी का मौका देगा, सोच में बेहतरी लेके आएगा, विजडम देगा, बड़ी जो अचीवमेंट्स है उसका हसूल आपके लिए मुमकिन होगा। बट ये भी बताता चलूं कि जहां ये होता है वहीं के चूंकि 6ठे का लॉर्ड है तो आपके जो ओपन एनिमीज हैं वो भी थोड़ी सी बॉइल्ड होती हैं, बट इंशाल्लाह आप उसको कवर कर लेंगे। अब यहां पे मरकरी का रोल क्या है? मरकरी फर्स्ट हाउस में जब आता है तो इंसान से जो है वो गलत फैसले करवा देता है, उसकी जो इज्जत वकार है उसको थोड़ा सा वो लेके जाता है, कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आती है, आप जो डिलीवर करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं करते, इस तरह आपकी इज्जत शोहरत जो है वो मुतासर हो सकती है। कुछ किरदार कशी की कुछ एनिमीज जो है वो कोशिश जरूर करते हैं बट उसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको कामयाबी नहीं होगी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बट आपको ये ख्याल करना है कि खानगी माहौल को किसी बहस तकरार से जो वो आपको बचाने की जरूरत होगी। घर प्रॉपर्टी सवारी की जरूरत के हवाले से किसी भी बड़े फैसले से अभी आपको गुरेज करना है अनटिल के मरकरी आपके यहाँ पाइसिस से निकलना जाए। मरकरी जब पाइसिस में आके डेबिलिटेड होता है तो पाइसिस जो पर्सनैलिटीज होती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इनको थोड़ा ओवर सेंसिटिव कर देता है, ये जिसको कहते हैं टची हो जाना, यानी यह चीज को ज्यादा फील कर रहे होते हैं। अगर इनको उस तरह से आप किसी महफिल में प्रोमिनेंट नहीं करते तो ये चीजें प्रॉब्लमेटिक इनके लिए ज्यादा फील कर जाते हैं कि भाई हमें शायद जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है, पीछे की तरफ धक्का दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सम टाइम आपकी थॉट्स होती हैं। इन थॉट्स को बेहतर करने के लिए आधा किलो मूंग साबुत का सदका हर बुध को दीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। खानगी माहौल को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, उसमें भी यही सदका आपके बेहतरीन काम आएगा। खाना माल का हाकिम सियारा जायचे के 12वें घर में है, खर्चात में तेजी की वजह से आप जो है वो इस तरफ मतवज होंगे कि आप थोड़ा फियर का शिकार हो रहे हैं या हो रही हैं कि आपके माली मामला जो है वो किस करवट जो है वो जाके बैठेंगे, और ये चीज आपकी हेल्थ को जो है वो डैमेज कर सकती है। स्पेशली पाइसिस के वो लोग जो किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर के उसके आर्जे में मुबतला है, उन्हें मैं कहूंगा कि आपको इसके मामले को जरा देखना पड़ेगा। आधा किलो मूंग साबत तो मरकरी के लिए होती है, मार्स के लिए आप जो है वो 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी के कलेजी का सदका दीजिए, किसी भी सुरक्षित का सदका दीजिए, ये आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। तीसरे का हाकिम आपके जायचे के 12वें घर में, सो छोटे बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात जो है वो सामने आ सकते हैं, उनकी वजह से भी आपकी जो है वो परेशानियों में इजाफा हो सकता है, बट ये हिडन एनिमीज है। और मार्स की मैंने कहा था कि 12वें घर में मौजूदगी जो है वो कुछ बेनिफिट देगी कुछ नुकसान देगी, तो यहां पर आपको बेनिफिट मार्स की यहीं पर मौजूद होने से ये मिलेगा कि आपके जो हिडन एनिमीज है वो कामयाब नहीं हो सकेंगी और आप इनको अपनी स्पिरिचुअली पावर से जो है वहां से आप बीट कर सकेंगे, ये आपके लिए एक और बेहतरीन जो है वो स्टेप जो है साबित होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि गुफ्तगू में एहतियात बहुत आपके लिए जरूरी होगा। जो बेसिक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं हमारे बच्चे स्केल 12 तक के, आपको इर्तकाज की कमी का सामना होगा, और मैं स्ट्रांगली कहूंगा किसी भी किस्म की बैड एसोसिएशन से जो है वो गुरेज कीजिएगा। इंसान का सही पता चलता है जब वो अकेला होता है, तन्हाई में होता है, वो उसका सही मानों में इम्तहान होता है। सो अपनी तन्हाइयों को
अपनी जो प्राइवेसी है उसको नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। आपके पांचवें घर का हाकिम सैयारा मून है और स्टार्ट ऑफ द वीक ये आपके जायचे के पांचवें घर में मौजूद होगा। बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी। नामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना या जो है वो प्राइस बॉन्ड खरीदना इस वक्त आपके लिए बड़ा इंशाल्लाह बेनिफिशियल साबित हो सकता है। किरदार साजी का मौका मिलेगा, आप काफी अच्छा फील करेंगे बाय जिसको फीलिंग्स कहते हैं, और आपकी जो डेली रूटीन्स की चीजें वो बड़ी आसानी के साथ आप करते। उसके बाद ये मूव होते होते ये आपके जब सेवंथ पार्ट में आएगा वर्गो में, यहाँ पे इसको होगा फुल मून, और फुल मून की एनर्जीज और फिर वर्गो में इसको अरूज होता है, औज होता है। सो यहाँ पे दोनों एनर्जीज आपको जो है वो बहुत जबरदस्त मिलेंगी जो कि आपके रिलेशनशिप को बेहतर करेंगी। वो लोग जो कि पसंद की शादी के हवाले से ख्वाहिशात रखते हैं उनकी जो है वो मन की मुराद पूरी हो सकती है। आपकी इस मामले में अपने लव वंस के साथ कोई कन्वर्सेशन फाइनल हो सकती है या आपकी शादी फाइनल हो सकती है, बट इस वक्त में निकाह करने से गुरेज कीजिएगा, ये मैं आपको स्ट्रॉन्गली कहूंगा, क्योंकि मर्करी फर्स्ट हाउस में जो कि सेवंथ का लॉर्ड है वहां पर डेविलिटी, तो इन चीजों को आपको बेहतर। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप में कोई खराबी है मर्करी की वजह से, तो मून यहां पे आके उस मामले को बहुत अच्छा करेगा। आपको बच्चों का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा और बच्चे आपके जो है वो आपके स्पाउस को मनाने में भी कामयाब होंगे और हालात को आपके साथ भी, चूंकि आपका भी तो मून है ना आपके चार्ट, तो आपकी रिलेशनशिप यहां पे उनके साथ बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आते हैं। आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होंगे और अपनी जो रोजमर्रा की रूटीन्स है उसको बेहतर तौर पे अंजाम दे सकेंगे, और ये मेरे ख्याल में 16-17 तारीख होगी। आप इनको नोट करके और आप अपनी इसको जो है वो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आपके आठवें घर का हाकिम भी 12वें घर में है, आपके स्पाउस की हेल्थ आपके लिए बहुत अहम होगी और उसकी वजह से कुछ अखराजात भी आपके सामने आ सकते हैं। वीजा वगैरह अप्लाई करने से गुरेज कीजिएगा, स्पेशली इमिग्रेशन के हवाले से ये वक्त बहुत सूटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। हालांकि वीनस और सैटर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मार्स की मौजूदगी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, और अगर आपके लिए मजबूरी हो तो कुछ सदका वगैरह देके तो आप इस मामले को कवर कर सकते हैं। कैरियर रोजगार के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकेंगे और सीनियर के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर रहता हुआ नजर आता है। बड़ी कामयाबियां समेट सकेंगे, अपना कर रहे हैं तो भी, अगर आप इंप्लॉय हैं तो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें और बड़े अच्छी सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकेगी। सैटर्न जायचे के 12वें घर में जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है और ये आपके 11वें का भी हाकिम है। सो मैं यह कहूंगा कि स्पेशली दोस्तों के साथ इख्तलाफात से गुरेज कीजिएगा और ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो किसी सूरत ना कीजिएगा। आपने किसी, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो, दोस्त हो, जितना मर्जी साल पुराना आपका ताल्लुक हो, बट ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहूंगा कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो यकीनन बेनिफिशियल रही होगी। आपके लिए हमारी वेबसाइट पे 14 से 19 10% ऑफ जावा जम्स पे जो है वो तमाम जम्सून पे ऑफर लग चुकी है, आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। और इंडिविजुअल होरोस्कोप अगर आप बनवाना चाहते हो उसके ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल स्टोन रेमेडीज अपनी लेना चाहते हैं तो उसमें भी हमने ऑफर कुछ किया है, जिसकी डिटेल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इससे मुस्तफीद होंगे, तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी हमारी इस चैनल फैमिली का पार्ट है तो ये वीडियो अपने बहन भाई जो कारब के साथ जरूर शेयर कर लिया करें। इस चैनल पे तमाम जोडिक साइन की चुके वीडियोस आ रही होती है, तो सब लोग उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।